वेलकम बैक दोस्तों। अभी अभी न्यूज मिली है कि बरवाला बस स्टैंड पर गौ माताओं से भरा ट्रक पकड़ा गया है, जो कि कल रात को पकड़ा गया था आरटीओ के द्वारा और बस स्टैंड पे खड़ा कर दिया था। और अभी पता लगा कि ये ट्रक में गौ माताएं भरी पड़ी है, बहुत सारी गौ माता, जिनमें से दो गौ माताएं मर भी चुकी है मौके पे। तो पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रहती है अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आरटीओ का भी नहीं पता है और ड्राइवर का भी अता पता नहीं है कि ये ट्रक ड्राइवर कौन था, कहां से था और ये गाय माताएं कहां से लेके आया है और कहां पे देके आता। तो ट्रक ड्राइवर भाग चुका है और आरटीओ अभी मौके पे आया नहीं है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, देखो आगे की कार्रवाई क्या होती है। इस ट्रक ड्राइवर से भाई किसने गौ माताएं ये तस्करी की है पता लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं आगे की कार्रवाई है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं। अभी हम बात करें तो लोकेशन की, हम बरवाला के बस स्टैंड पे ही खड़े हैं जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गौ भगत यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो अपने सनातन धर्म के जितने भी भाई बंधु हैं, मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो शेयर करें और इस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए, ताकि सनातन धर्म में एक अकेला ही भारत देश है जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का देश है और गौ माताएं हमारी माताएं हैं। और देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। अपना प्रधान रखा है दिया। कल से गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है। आरटीओ गाड़ी को बंद करके गया है, अगर आरटीओ गाड़ी को बंद करके गया है तो ये तो सूचना हो कि इसके अंदर किस वेस पे चलान किया है। यहाँ पे बस स्टैंड इंचार्ज बोल रहे हैं कि मेरे पास चाबी है और चलान चिट है। चलान चिट का और चाबी का काम क्या, अगर इसके अंदर गोवंश है जो आरटीओ को पता तो होना चाहिए। आरटीओ हमेशा गाड़ी चेक करता है कि गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं। इसके अंदर 14-15 गोवंश है, दो गोवंश मृत्यु है, वो पता नहीं कब हुआ, कल हुआ रात को या आज हुई है। गाड़ी कल से यहाँ बस स्टैंड के अंदर खड़ी है। आरटीओ अगर गाड़ी बंद करेगा तो बुरवाड़ा थाना को तो सूचना हो कि क्या है क्या नहीं। इससे हमें पूरा ये हो रहा है कि आरटीओ की कुछ चालबाजी है या आरटीओ ने कुछ ले गया, कुछ दे गया, कुछ कर रखा है। पुलिस आई हमारे पास में, ठीक है, 112 के दो एक आए है, उन्हें कार्रवाई करके, ठीक है। गाँव बाड़ा से रमेश मेरा नाम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी का पूरी। अगर कल से गाड़ी यहाँ खड़ी है तो बुरवाड़ा थाना को सूचना ही नहीं है। बुरवाड़ा थाना को सूचना तो हो, गाड़ी किस वेस पे बंद की है, किसने बंद किया, कैसे बंद किया है। बस स्टैंड इंचार्ज से बात की, वो कहता है मेरे पास चलान चीट है और चाबी है। चाबी से बात ही नहीं होती, हमें ड्राइवर चाहिए। हमें SHO मौके पे हमारे पास आए, SHO में बात करे, SHO वो ये बात करे कि RTO से मैं बात करूँ, ड्राइवर को हम देंगे। ये लगता है कि गाड़ी जो कटने के लिए हाँ, वो पक्का गाय कटने के लिए जा रही है। अगर इसको खाली ही नहीं करवाया, इसे बंद रखा है इसके अंदर, तो ये शामिल हो गए ले लो सारे पड़े आप, है ना। इसके अंदर गाय देखोगे नहीं, एक हफ्ता पहले से, कम से कम एक हफ्ता पहले से गाय मरी हुई है। पहले भरी फिर खोल के खुली हुई है जी, एक हफ्ता पहले। कार्रवाई क्या चाहते हैं हम, ये चाहते हैं जी SHO हमारे पास आई और SHO में RTO से बात करे हमारे सामने और RTO से कंफर्म करे ड्राइवर कहाँ का था, कैसे है, क्या कहाँ है वो ड्राइवर। ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी ऐसे छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, पता कैसे चलेगा कौन कहाँ से ले गया रहे। गाड़ी मालिक भी हो, ड्राइवर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो गाय सामने नजर आ रही है, कम से कम RTO को देखना चाहिए गाड़ी का चलान कर दिया। अंकल जी RTO
कर दिया। कम से कम आरटीओ तो देखो इसके अंदर है क्या, इसमें क्या चलो उसने बगैर गाड़ी के अंदर अगर पूरी शहर प्रशासन है आरटीओ बंद करने के लिए और किसका कोर्ट है जी? आरटीओ में एक टाइमर कखड़ी करके दो बीस टाइम है बात का बैठे हैं एक भी फोन कर रहा है मेरा पटाओ आरटीओ पूछे मेरा पटाका ये आरटीओ में एक टाइमर ही जी आरटीओ पहला इन डॉक्टर ने मेरी हां पहले इन नंबर ठीक है बताओ इनका वो सारा मिले चला हां इनको तो करवाओ जी आरटीओ मैटर जो मर रहा है उसका पोस्टमार्टम करवा देंगे आरटीओ चाहिए हमें मौका पे बस हमें उसको ये पूछने का चलान पूछता क्या पूछना है साहब मेरी बात सुनो जी पूछना नहीं है इसके अंदर खुलिया बुकी उन पर बताओ आप सारा तत्काल तारों चेक भी करो ये उतर गया नहीं कोई भी तारा सबूत गिर गया अपने भी तारा सबूत गिर गया आरटीओ हां उतर गया तो फिर सबूत गिर गया सबूत गिर गया हां हमको पता है इतने तो पहले लोग इतना की भरी है रुको बेराल में लगा था ये तो पहले लोग उठा के भरी है सबूत गिर गया अल्लाह का जोर बोल रहा हूं आरटीओ लोग इतना की भरी खड़ी करी है ओ भाई आरटीओ बोल रहा है इतना की भरी है देखी होगी कि इसमें खड़ी करी है ये उसने नु पूछो इसमें क्या चाहिए कहता है कि उन्होंने जो मैंने के में लेकर काम कर दिया हमने भी चीज दो आरटीओ मान लो किसका वो कट है आ जाओ भाई मेरे के लाओ सारे ई बार के ऑफिस में बात करी है साहब जी ने नु कहा इंटा की भरी है गाड़ी जो रोडवेज वाला मैं चला पड़ा था करनी चाहिए थी कि ये माल आया वे भी बताई था कि भाई साहब आरटीओ नहीं आवा इतना गाड़ी नहीं आ कर जाएंगे और मैं मारता हूं मार तंग करो एक बार पानी पीने लग रहे उसके अटेंड तो होना चाहिए उसका दर्ज होगा मुकदमा दर्ज होगा दिखा दे मैडम जी मेरी बात ये गौशाला के अंदर खाली हो गई है हमारे पर क्या है वीडियोग्राफी बनेगी और वीडियो चल रही है फिर आप तो हो गए वीडियो बन लग रही है पब्लिक की मौजूद दो भाई कोई दिक्कत तो नहीं नहीं आप तो बनिया हो गौशाला में खाली करवा दो गौशाला में खाली करवा दो ड्राइवर का नंबर है नहीं है कहाँ से क्या था पता है उड़ते
तो अंदर भर ले उधर छोड़ के जाने रहेंगे जी फिर ये है गाड़ी आरटीओ बताओगा जी आरटीओ बताओगा कैसे एड्रेस आ रहा है उसमें एड्रेस तो आ रहा है एड्रेस आ रहा है अमृतसर की गाड़ी का नंबर वो तो फिर आ लेंगे जब बाइक बताऊंगा ओनर का नाम भी यार जो ड्राइवर है ना ड्राइवर का नाम है जो आर जितना जिसका दोष होगा ना उतना उसको ऑफेंस उसका लगेगा वैसा फरवरी में गाड़ी पकड़ी उसमें गाड़ी घुमाने वाले गाड़ी पायलट कराने वाले पकाना गाँव के थे एक पंडित जी था एक जागरण था दोनों मिला उनके सारा के नाम लिखा रखे थे उस दिन गिरफ्तार कौन हुई फरवरी की बातें पीछे फरवरी गई आपकी फरवरी उसमें मारा गिरफ्तारी हो ली कौन हुई भाई साहब मैं पर्चा मेरा नाम तो मैं कैसे बता दूं होगी गिरफ्तारी मना अंकल पता तो चलेगा मेरे कोर्ट में तो जाऊंगा मैं कि मैं तो सूचना मिलेगी मैंने जी इतनी जल्दी ना करें अंकल जी ना आई का केस ला कर का जब जाकर चल बना अंकल जी भी दोनों ने ये दोनों इतने अच्छा कौन गिरफ्तार कर इस बात समझ रहे हैं मैंने सूचना ले ली किसी से आप भर के अंकल जी से ऐसे बता रहे हैं उन्होंने कि जनाब पता करते हैं नहीं लोडिंग वाले आते बिठा जाऊंगा हम आप पे विश्वास कर लेंगे जिन्हें गाड़ी लोड करिए नहीं उनने बिठा के लेते हो नहीं हमारा तो सहयोग चाहिए हम आपके साथ पीछे नहीं हटाएंगे जी और बताओ जो मुकदमा मालिक को चलो ड्राइवर उसको देना ही पड़ेगा इस समय जो है पहले हम गाड़ी मालिक ने जाएंगे गाड़ी मालिक का था फलाना ड्राइवर था मन तो वहाँ के लिए कहा था तो ठीक सर जो उन्होंने कहा जी मन तो ड्राइवर ने रख रखा है मेरी चोरी हो रही वो चोरी हो रही जैसे जो सिस्टम है सारा क्लियर करा जिनने लोड करे है उन्होंने भी ले आओगे जहाँ से लोड हुई गाड़ी ड्राइवर बताओगे जी लोड सही बात है जमा ओडा था पकड़ो जड़ ओडा था पाओगे